फातिमा, तो बात करनी है तुमसे। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। मैं सिर्फ अपने शौहर को जवाब दूंगी। शौहर को जवाब देना है? वो बेचारा तो कहीं मुंह छुपाए पड़ा हुआ है। आखिर इस घर में चल क्या रहा है? मैं जब से आई हूँ एक तमाशा खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा खत्म नहीं होता और तीसरा शुरू। अब मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जवाब दो ना बेटी को। तुमने तो कहा था कि गन पॉइंट पर सारा जेवर चोरी हो गया, ये बताओ ये अलमारी में कैसे आए? मुझे नहीं पता मम्मी, ये कोई जवाब नहीं हुआ। तो आप क्या कह रही हैं, चोर वापस रख के चले गए? हो सकता है, इस दुनिया में नेक लोग भी हैं। हो सकता है कि उन्हें मुझ पे तरस आ गया और वो जेवर वापस रख के चले गए हों। हाँ, तरस खा के नेक लोग इसे ही मिलते। दादू, ये सब कुछ क्या चल रहा है? क्या बोलूं बेटा, साई घर नहीं, किसी को डर नहीं, गुस्सा तो मुझे तुम्हारे बाप पे आ रहा है। ऐसे मुश्किल वक्त में कोई घर छोड़ के जाता है? मुझे पूरा यकीन है कि बाबा जो गए हैं ना, कुछ सोच समझ कर ही गए होंगे, क्योंकि वो हालात से डर के भागने वालों में से नहीं है। ज्यादा अपने बाप की ना तरफदारी करने की जरूरत नहीं है, सारा कसूर उसका है। मजाल है कि उसने सामिया की शादी पर एक सोने की कील तक दी हो, बस यही रोना पीटना डाले रखा कि सोना चोरी हो गया, सोना चोरी हो गया। खैर वो सब छोड़ा है, मैं कहती हूँ आज सामिया भाभी के घर चलते हैं, सामिया भाभी को घर ले आते हैं। सामिया भाभी आएंगी तो बाबा भी आ जाएंगे। वहां पे आंटी सब कुछ अकेले कैसे मैनेज कर रही होंगी, इतनी बूढ़ी हो गई है वो, अब वो किन किन की खिदमत करेंगी? वैसे वाकई मुझे बड़ी खुशी हुई है कि कोई तो है जो सामिया की माँ की तरफदारी कर रहा है। और इस सारी कहानी में ना जो सबसे ज्यादा मजलूम है ना, तो वो सिर्फ सामिया की माँ है। क्या ख्याल है आज हम दोनों ना वहां चलें सामिया की अम्मी के घर, ताकि फुरकान के बच्चे का नाम रखे। हाँ, क्योंकि घर का माहौल भी इतना अजीब हो रहा है, आज जब फुरकान आएगा ना तो हम सामिया भाभी के घर चले। जाने से पहले ना एक अच्छी सी चाय पिला दो मुझे। क्या दादू, कितनी चाय पीती हैं, बस हर वक्त चाय चाय। पिला दो ना। अच्छा मैं लाती हूँ। मिठाई। मिठाई किस लिए? मेरी बात पक्की हो गई है। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू, इस दुआ में याद रखना। अक्सर बस मैं शादी के बारे में सोच के ना बहुत खौफजदा हो जाती हूँ। जी वजह से? तुम फिक्र मत करो, बस अपनी आंखें खुली रखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें एक और अच्छी खबर दूँ? अगले हफ्ते मेरा निकाह है और अगले महीने मेरी शादी, फिर दुबई। ये तो बहुत अच्छी बात है, सब कुछ इतनी जल्दी क्यों? देख लो, जोड़े तो आसमानों पे बनते हैं और जमीन पर टूटते हैं। सामिया, अल्लाह सब खैर करेंगे। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू। अब मिठाई खानी है तुम्हें।